हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 होम्योपैथी मेडिसिन। ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, आपको दस्त हो रहे हैं, जो दस्त हो रहे हैं वो भी कई टाइप के दस्त होते हैं। पेशेंट को अलग अलग टाइप के पेशेंट को सिम्टम्स नजर आते हैं दस्त की कंडीशन में, तो उसके लिए मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ। ये जो 5 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, इस 5 मेडिसिन में 5ों मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको दस्त में जरूर आराम मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है पोडोफाइलम, ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, ये 200 पोटेंसी में है। इसमें वर्क करते हैं हम, उसकी बात करते हैं। पेशेंट को दस्त हो रहा है, ये जो दस्त हो रहा है एकदम पतला दस्त हो रहा है, पीला कलर का दस्त हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सा दस्त हो रहा है। कंडीशन में आप पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसको दिन में आपको 3 से 4 बार लेना है, 2 बूंद लेना है। जैसे मॉर्निंग में 2 बूंद लेते हैं तो उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद 2 बूंद ले लीजिए। 2-2 बूंद करके आपको दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। आप रिपीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चाइना, ये है 30 पोटेंसी में। तो पेशेंट का जो पेट है बहुत ज्यादा फूला हुआ है, इनका जो पेट होता है पेशेंट के पेट से आवाज आती है गुड़गुड़ाहट की, पतला दस्त हो रहा है और साथ में जो पतला दस्त हो रहा है उसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। इस कंडीशन में आप चाइना 30 पोटेंसी में लेंगे, दिन में 3 से 4 बार आप लेंगे इसको, 2-2 बूंद लेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट मेडिसिन को, नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एपिकॉक। जो एपिकॉक है आपको 30 पोटेंसी में लेना है। पेशेंट को जो दस्त हो रहे हैं तो उसका जो कलर है एकदम लाल कलर का और एकदम चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप एपिकॉक 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसको दिन में आपको 3 से 4 बार लेना है और 2-2 बूंद लेना है। चमकता हुआ दस्त हो रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आपको लेना है कार्बोवेज 30 पोटेंसी में। पेशेंट को दस्त हो रहे हैं, जो दस्त हो रहा है उसमें पेशेंट को ब्लड भी आ रहा है, मतलब उसका जो कलर है दस्त का वो रेड कलर का है और पेशेंट को कंटिन्यू दस्त हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कार्बोवेज 30 पोटेंसी में देंगे तो पेशेंट को अच्छा आराम मिलेगा। पेशेंट का जो दस्त हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस मेडिसिन को आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करिए 2-2 बूंद करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के पास। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपको लेना है 30 पोटेंसी में। ये कि पेशेंट को जो दस्त हो रहा है वो मटमैला कलर का हो रहा है, काला कलर का हो रहा है, साथ में जो दस्त हो रहा है एकदम पतला सा हो रहा है और ये जो प्रॉब्लम है कंटिन्यू बनी हुई है, तो इस कंडीशन में आप रस्टॉक्स देंगे 30 पोटेंसी में 3 से 4 बार तो पेशेंट को अच्छा आराम मिलेगा। मैंने आपको जो सिम्टम्स बताई हूँ, ये 5ों मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स बताई हूँ, 5 जो मेडिसिन बताई हूँ मैंने, तो ये जो मेडिसिन है सिम्टम्स मैच करते हैं, जिस मेडिसिन से वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन है आपको अच्छा रिलीफ देगी, आपकी जो दस्त की समस्या है वो पूरी तरह से चली जाएगी, तो आप इसे ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इस मेडिसिन को लीजिए, फिर मुझे आप रिजल्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।